हेलो एंड वेलकम टू इन साइंस। स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कई सारी चीज़ों के ऊपर। दिस इज़ द स्पेशल टाइप ऑफ एपिसोड जहाँ पर मैं फेस टू फेस बात कर रहा हूँ। वैसे इस चैनल का मेन थीम तो एजुकेशन है, एंड आई थिंक ये भी कुछ एजुकेशन है, थोड़ा सा जनरल साइंस है जो आप लोगों को जानना इम्पॉर्टेंट है, एंड इसीलिए ये एक नई सीरीज़ है। नई सीरीज़ के दूसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पहला वीडियो जाके देख लो, एंड नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विथ आवर टॉपिक्स। जिन टॉपिक्स के ऊपर हम लोग आज बात करेंगे उनके बारे में मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सी हॉर्सेस के बारे में। अब सी हॉर्सेस ऐसे क्रिएचर्स है देखो जो आप लोगों को यूजुअली अंडर वाटर मिलेंगे। मोस्टली ये एनिमल्स या फिर ये फिशेस मराइन होती है, मतलब जो खारे पानी में आप लोगों को मिलेगी, ये स्पेशली जानी जाती है। एंड ये स्टैंड आउट करती है बाकी सारे ऑर्गेनिज्म से बिकॉज ये वर्टिकल होती है। जैसे कि आप लोग इमेज में देख सकते हो, वीडियोज में देख सकते हो, ये वर्टिकली स्विम करती है। स्मॉल साइज होता है इनका। इसके छोटे होने के साथ साथ जो इसकी स्मॉल बॉडी है, स्मॉल बॉडी है एंड स्ट्रेट पोस्चर है, तो इसके कारण कई सारे बेनिफिट्स है। लाइक आप लोगों को और हमें यूजुअली लगेगा कि ये स्ट्रेट चल रही है तो इसको थोड़ा प्रॉब्लम होता होगा प्रेज ढूंढने में एंड प्रेज को अपना खाना इकट्ठा करने में, लेकिन ये एक कैमोफ्लेज की तरह भी हेल्प करता है एंड ये एक वेपन की तरह भी ये इस्तेमाल कर लेती है, एक एडवांटेज की तरह ये काम करता है। दूसरी बात, ये वर्टिकल पोस्चर इसको कोरल्स के अंदर, एक जो कोरल्स जो आप लोगों को सेशेल्स में मिलेंगे, लक्षद्वीप में मिलेंगे, तो उन कोरल्स के अंदर इनको एक अच्छा कैमोफ्लेज देने का काम ये करते हैं, तो ये अच्छे से छुप के वार करने में एक्सपर्ट होते हैं। एक और स्पेशल चीज़ इनके बारे में जो मैं बात करना चाहूँगा तो वो है कि इनका अगर आप लोग पूरा का पूरा वर्टिब्रल कॉलम देखो एंड बॉडी का एक्सोस्केलेटन देखो, सारी की सारी रिब्स देखो, तो ये स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर शेप में है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बाकी एनिमल्स की कैसी होती है, तो बाकी सारे मोस्ट ऑफ द एनिमल्स की सर्कुलर होती है या फिर ओवल होती है। ह्यूमंस के अंदर देखो सर्कुलर होता है कैनल जिसके थ्रू आप लोगों की नर्व कॉर्ड्स जा रही होती है, स्पाइनल कॉर्ड जा रही होती है। इनके अंदर स्क्वायर है एंड इस स्क्वायर होने के कारण इसको बहुत ज़्यादा अजाइलिटी मिलती है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है एंड ये काफ़ी ज़्यादा फुर्तीले भी हो जाते हैं। अगर कोई बड़ी मछली इनके ऊपर अटैक कर देती है तो ये स्क्वायर जो होता है तो वो स्क्वायर ऐसे डिफॉर्म हो जाता है, बट जो एनिमल है तो वो ठीक से बच जाता है। सो दिस इज़ अनदर एडवांटेज एंड इस वजह से ये एनिमल्स काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को और हमें काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगते हैं। यूजुअली हम लोग इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में सोचते नहीं है, बस हम लोग कहीं कार्टून्स पे देख के उनको छोड़ देते हैं, लेकिन ये इतने अच्छे एंड इतने स्पेशल ऑर्गेनिजम्स हैं कि मुझे एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ा इनके ऊपर। इनकी आसपास आप लोगों को 47 स्पीशीज मिलेंगी ओशंस में। कई सारे अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग कलर्स के होंगे एंड कई सारे अलग अलग एडाप्टेशंस के साथ आएंगे। इनके पीछे एक बस एक ही डॉर्सल फिन होती है, इस वजह से इनकी स्पीड थोड़ी सी स्लो होती है। या सो दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट। अब जब ये फिशेस मैच्योर कर जाती है एंड जब इनके बच्चे होने का टाइम आता है तो ये मेल एंड फीमेल एक तरीके का डांस इसे कहते हैं, तो वो परफॉर्म करते हैं, जिसके अंदर मेल्स के अंदर जो ब्रूड पाउच होता है, तो वो ब्रूड पाउच के बारे में मैं बात करता हूँ। तो ब्रूड पाउच एक ऐसा ब्लड फील्ड कैविटी होता है, ऐसे आप समझ लो बिल्कुल मम्मी की जो वूम्ब होती है, तो उसी तरीके से जिस तरीके से बच्चा मम्मी के वूम्ब के अंदर ग्रो होता है, उसे नरिशमेंट मिलता है और फिर वो बच्चा डिलीवर कर दिया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे वही चीज़ मेल्स के अंदर होती है। मेल्स के अंदर आप लोगों को एक ब्रूड पाउच मिलेगा जिसके अंदर वैस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं एंड जिससे वो लाइक पापा के अंदर बच्चे बड़े होते हैं, पापा के ब्रूड पाउच के अंदर बच्चे बड़े होते हैं एंड फिर वो बाहर के ओशन में छोड़ दिए जाते हैं। सो या दिस वाज अनदर मोस्ट यूनिक थिंग कि इनके अंदर लाइक फादर गिव्स बर्थ टू द चाइल्ड, फादर टेक्स केयर एंड फादर हेल्प्स इन नरिशिंग। एंड मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं दिस इज़ बिकॉज ये एक काफ़ी प्रिमिटिव स्पीशीज है अगर हम देखें तो,
शायद इसी के आगे से शायद लाइक जेंडर स्पेसिफिक होने लगी. लाइक इसके पहले मुझे लगता है कि फादर एंड मदर, लाइक मेल एंड फीमेल, ऐसा कोई जेंडर नहीं होता होगा. तो इनके अंदर मेल्स जो होते हैं तो वो स्पेसिफिकली बच्चों को लाइक न्यूट्रिशन देते हैं, एंड फिर उसके बाद बच्चे बाहर छोड़ दिए जाते हैं, ब्रूड पाउच को लाइक एम्प्टी किया जाता है. सो दिस इज वॉट मेक्स सी हॉर्सेस वेरी वेरी यूनिक क्रिएचर. नेक्स्ट चीज के बारे में बात करते हैं तो वो है व्हेल्स. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि व्हेल्स मतलब सर आप लोग ब्लू व्हेल की बात कर रहे हो. जी हाँ, ब्लू व्हेल्स, लेकिन कई सारी और स्पीशीज होती है व्हेल्स की, जैसे शार्क हो गई, शार्क व्हेल लाइक वैसा एक होता है, ब्लू व्हेल हो गया सबसे बड़ा फिश, एंड स्पर्म व्हेल हो गया, और भी कई सारी व्हेल्स की स्पीशीज है. छोटी बड़ी व्हेल्स की स्पीशीज आप लोगों को ओशंस के अंदर दिखेंगी. अभी अभी मैंने रिसेंटली सोनी द बेस्ट फूड रिव्यू शो, इनके बारे में जो इनका जो रोगन पॉडकास्ट पे आया था, तो वो पॉडकास्ट सुना. एंड व्हेल्स के अंदर हमेशा से क्यूरियोसिटी मेरी रही है, सो दिस इज़ द ट्राई टू गिव जस्टिस टू द क्यूरियोसिटी. एंड मैं इसके ऊपर कई सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाया हूँ, सो आई वुड लाइक टू शेयर दैट. तो सबसे पहली बात कि दीज आर द बिगेस्ट एनिमल्स, बिगेस्ट मैमल्स एंड बिगेस्ट लिविंग क्रिएचर्स इन द ओशन. स्पेसिफिकली ये मराइन ही स्पीशीज है, मतलब ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप लोगों को खारे पानी के अंदर ही मिलने वाली है. ये सीजनल माइग्रेशंस करती है एक जगह से दूसरी जगह पे. ये बहुत ही ज़्यादा साइलेंटली स्लोली मूव करती है, एंड इसीलिए इनको साइलेंट किलर्स कहा जाता है. साइलेंट किलर्स से याद आया, एक किलर व्हेल नाम की भी एक व्हेल की स्पीशीज होती है. एंड या ये आप लोगों को लगेगा कि ये बहुत बड़ी फिशेस है, तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही होगी जीवित रहने के लिए, अलाइव रहने के लिए. लेकिन द रियलिटी इज़ कि ओशंस के अंदर जितने बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं उतनी उनकी खाने की जो कैपेसिटी होती है, जिस तरीके का खाना ये खाते हैं, वो कम होते जाता है. आप लोगों को दिख जाएगा कि व्हेल्स मोस्टली क्रिल्स नाम के एनिमल्स खाती है. क्रिल्स जो छोटे छोटे श्रिम्प्स की तरह होते हैं ऑर्गेनिजम्स, जिनको ये व्हेल्स खाती है, कच्चा चबा जाती है. एंड ये यूजुअली हर्ड्स के अंदर मूव होती है. हर्ड्स के अंदर मतलब 100 से 150 या फिर 400 500 व्हेल्स का एक साथ झुंड आप लोगों को जाता हुआ दिख जाएगा. एंड आई थिंक इसके बारे में डिस्कस करना जाना किया जाना चाहिए. आप लोगों को यूजुअली स्पर्म व्हेल्स के नाकों पर जो निशान मिलेंगे, स्क्रैचेस मिलेंगे, एंड दिस इज़ बिकॉज ये कभी कभी बड़ी जो स्क्विड्स होती है, अब स्क्विड्स के बारे में नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे, तो वो जायंट स्क्विड्स के साथ मुकाबला करती है. अब आप लोगों ने जेलीफिश देखा होगा, इतना सा होता है, मैंने भी देखा हुआ है. तो उसी तरीके से जो स्क्विड्स होती है तो वो भी इतनी इतनी सी ही होती है, लेकिन जो बड़ी वाली जो स्क्विड्स होती है तो वो शायद एक ट्रक के जितनी बड़ी होती है, तो उतना बड़ा इनका साइज होता है. और ये व्हेल्स के साथ आपस में लड़ रही होती है कभी कभी. तो दिस इज़ अनदर फैक्ट जो मुझे बताना था. अब आते हैं हम लास्ट फैक्ट के ऊपर. लास्ट फैक्ट से पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मेरे हाथ लगी है, तो वो ये है कि जो व्हेल्स होती है तो वो ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करती हुई नज़र आई है. जब भी हम लोग स्कूबा डाइविंग करते हैं, एंड जब हम व्हेल्स के हर्ड्स के साथ स्कूबा डाइविंग जो लोग करते हैं, तो इनके साथ ये व्हेल्स काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होती है. एंड अगर कोई शार्क पानी के अंदर डीप वाटर्स में शिकार कर रही है, तो ये यूजुअली देखा गया है कि वो ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करती है एक साइड से. सो बेसिकली दीज आर वेरी वेरी फ्रेंडली, वेरी वेरी इंटेलिजेंट, एंड काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस स्पीशीज़ है. तो ये बड़ी बड़ी शिप्स के पास आसपास आ जाती है सिर्फ देखने के लिए कि ये कैसी शिप्स है. एक लास्ट और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट जो मुझे बताना था, तो वो ये था कि भाई इनकी एक खुद की लैंग्वेज है. यस, हर एक झुंड की एक यूनिक लैंग्वेज है, एक यूनिक कोड ऑफ वॉइस, ऐसा हम कह सकते हैं कि यूनिक कोड है. जिस तरीके से आप, अगर आप हो तो आप आपके कम्युनिटी के साथ जुड़े हो बिकॉज आप लोगों की लैंग्वेज कॉमन है, आप लोग कॉमन हो. तो ये खुद के झुंड वाले लोगों को और दूसरे झुंड वाले लोगों को पहचानने के लिए
एक खुद की लैंग्वेज इन लोगों ने डेवलप की है एंड ये इस लैंग्वेज का यूज़ काफ़ी ज़्यादा करते हुए दिख जाते हैं। इनकी आवाज़ जो है तो वो इतनी ज़्यादा लाउड होती है कि वो शायद अगर आसपास कोई ह्यूमन हो तो उसके कानों के पर्दे ब्लास्ट कर दे, लेकिन ये कई सारे हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे तक भी सुनी जा सकती है। दिस इज़ वेरी वेरी यूनिक थिंग दैट आई फाइंड कि ये इतने साइलेंट फिशेस होते हैं, लेकिन ये जब आवाज़ क्रिएट करते हैं, जब ये एक दूसरे से बात करते हैं, तो ये इतने लाउड नज़र आते हैं हमें। सो यस, दिस इज़ द फैक्ट अबाउट व्हेल्स। एंड अब हम चलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर हम लोग एक विजिट करने वाले हैं। जी हाँ, हम लोग विजिट करने वाले हैं एक पोल्ट्री को, जिस तरीके से मैंने रिसेंटली वीडियो बनाया था व्हाट इज़ पोल्ट्री फार्मिंग, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो इसी का कंटिन्यूएशन में हम लोग एक पोल्ट्री विजिट करने वाले हैं, तो मिलते हैं पोल्ट्री के वहाँ पे। शहर से 10 किलोमीटर दूर हम लोग आ चुके हैं इस पोल्ट्री को विजिट करने। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो अलग अलग एज के, अलग अलग डेवलपमेंट ग्रुप्स की मुर्गियाँ अलग अलग रखी गई हैं। हम लोग देख सकते हैं छोटी छोटी मुर्गियाँ, बड़ी मुर्गियाँ एंड एंड में बहुत बड़ी मुर्गियाँ। ये सारी की सारी मुर्गियाँ ब्रॉयलर है, जो कि सिर्फ और सिर्फ मीट के लिए प्रोड्यूस कर की जाने वाली मुर्गियाँ है। इन्हें मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ चिकन या फिर मीट के लिए ही काटा जाने वाला है। 1 से 1.5 किलो के बीच में जब आ जाती है तो उन्हें बेच दिया जाता है। ये आप लोग देख सकते हो काफ़ी सारी मुर्गियां हैं यहाँ पे, और ये कुत्ते ही। हमने इनके फूड के बारे में जाना, हमें ये पता चला कि इस फूड के अंदर कई सारी न्यूट्रिटिव चीज़ें डाली जाती है। हे कशापासून बनलेलं असतं? मका, सोयाबीन आणि काय असतं ते मकला सगळं काय दिसतं। ठीक आहे, साथ में इन्हें जो मेडिसिन है तो वो भी दी जाती है। आई होप आप लोगों को पोल्ट्री की विजिट पसंद आई होगी। अब हम लोग आ जाते हैं इस वीडियो के लास्ट सेक्शन में, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे येतीज़ के बारे में। येतीज़ एक हिमालयन मॉन्स्टर्स या फिर ह्यूमनॉइड क्रिएचर्स है, जिनके बारे में कई सारे पुराने स्कल्पचर्स में, कई सारे पुराने टेक्स्ट्स में हमें इसका जिक्र मिलता है। इन्हें बिग फुट भी कहा जाता है। कई सारे साइंटिस्ट्स वर्ल्ड वाइड है जो इसके इनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, क्या ये येतीज सच में है या फिर नहीं है। तो ये सब कुछ इसके ऊपर रिसर्च अभी चालू है। एक स्कूल ऑफ थॉट्स है जो बिलीव करता है कि येतीज थे, बिल्कुल येतीज थे, एंड ये येतीज हिमालयाज के अंदर रहते थे, एंड ये कभी कभार ह्यूमंस के साथ आकर मतलब कई कुछ एनिमल्स चुरा के ले जाते थे। तो एक और स्कूल ऑफ थॉट्स है जो ऐसा बिलीव करता है कि ये येतीज रियल लाइफ में थे ही नहीं, ये बस मनगढ़ंत कहानियां हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर जगह पे ये एक ही कहानी कॉमन आए, तो इस वजह से मैं पर्सनली बिलीव करना चाहूँगा एंड आई वुड लाइक टू सी येतीज समडे। तो मैं पर्सनली ऐसा बिलीव करता हूँ कि शायद हमें इतना श्योर नहीं होना चाहिए कि नहीं है नहीं है, शायद ये चीज़ हो सकते हैं, शायद हमें अभी तक पता नहीं है। हमें तो लाइक अर्थ के ऊपर जितने ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी हैं, तो उनके भी बारे में आइडिया नहीं है, तो वी कांट बी रियली श्योर कि वो है या फिर ये शायद नहीं है, शायद ये कभी नहीं थे। तो ये एक मिथ बना रहता है एंड येस, दिस इज़ वाई डिस्कसिंग अबाउट देम बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसेंशियल। इसके ऊपर सबसे सॉलिड प्रूफ अब तक हमें मिल चुका है, तो वो ये है कि ये येती नाम का क्रिएचर हर स्टोरी में कॉमन है। जिस तरीके से आप लोगों को बड़ा सा सरपंट यानी कि सांप हर कल्चर के साथ आप लोगों को जुड़ा मिलेगा, हर कल्चर में इसकी अलग अलग स्टोरीज है, बिल्कुल उसी तरीके से माउंटेनस रीजन्स में जो भी पहाड़ी लोग रहते थे, इनके स्टोरीज में ये ऑर्गेनिज्म अलग अलग नामों से आप लोगों को पाया जाता है। कई लोग मानते हैं कि उन्होंने येती को देखा है, तो कई लोग
ऐसा मानते कि उनके पास फोटोज भी है। अब हमें रियलिटी नहीं पता, बट वॉट वी कैन श्योरली ट्रस्ट ऑन इज इंडियन आर्मी, जिन्होंने रिसेंट ईयर्स में कुछ फुटप्रिंट्स की फोटोग्राफ्स पब्लिक की थी, जहाँ पे आप लोगों को साफ साफ दिख जाएगा कि फावड़े से भी बड़े पैरों के निशान वहाँ पे थे। अब फावड़े से बड़े पैरों के निशान ऑब्वियसली ह्यूमन नहीं कर पाएगा, कोई भी शूज़ भी नहीं कर पाएगा, तो ऐसा माना जाता है कि ये यति के हो सकते हैं। अब क्या ये यति के हैं या फिर क्या ये यति के नहीं है, ये हमें तो अभी तक तो पता नहीं है। शायद ये हमें कभी भी पता ना चले, शायद ये ऑर्गेनिजम्स कुछ साल पहले थे, ये एनिमल्स कुछ साल पहले थे बट फिर ये गायब हो गए, ऐसा भी हो सकता है। आप लोगों की राय में कमेंट सेक्शन में देना चाहूँगा कि क्या ये ऑर्गेनिजम्स असल में थे या फिर नहीं थे। मेरा मैं पर्सनल ओपिनियन बताऊँ तो मुझे लगता है कि शायद ये ऑर्गेनिजम्स होंगे, बस ऐसे होंगे कि अभी तक ह्यूमंस वहाँ तक पहुँच नहीं पाए होंगे जहाँ पे ये एनिमल्स रह रहे होंगे। शायद ये बहुत प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ मंकीज हो सकते हैं, शायद ये ह्यूमनॉइड ही है ऑर्गेनिजम्स जो कभी कभी पब्लिक के आय में आ जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। आप लोग क्या सोचते हो वो मुझे कमेंट्स में बता दो। हिट द सब्सक्राइब बटन, हिट द लाइक बटन, एंड और एक ऐसी ही मज़ेदार मसालेदार वीडियो लेके आऊँगा बहुत ही जल्द, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो के साथ, अंटिल दैट टाइम सी यू।